बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिजाब की खातिर भगवा कट्टरवादियों से टकराने वाली कर्नाटक की मुस्कान खान को दिया जाए तहफ़ बढ़ाई जाए सिक्योरिटी। हैदराबाद के नामवर एडवोकेट्स और कानून की समझ रखने वाले जहदकारों ने CCS में दर्ज कराई कंप्लेन। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने आउटर रिंग रोड कुंडला कोया जंक्शन के करीब IT पार्क का रखा संग बुनियाद, कहा आवाम के ताउन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सीएम KCR की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को एहतजाज करने से रोक दिया गया। जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी के हामियों और पुलिस के दरमियान टकराव, शदीद नारेबाजी के बाद आखिरकार हिरासत में लिए गए रेवंत रेड्डी। हैदराबाद की प्राइड इंडिया नामी रियल एस्टेट कंपनी ने की मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश। सरकर्दा सहाफ़ियों ने कहा खतरे के बावजूद हक की आवाज़ करते रहेंगे बुलंद, आवाम से धोखा नहीं करेंगे बर्दाश्त। हाईकोर्ट में कल समाअत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीएम KCR की यौम पैदाइश पर उन्हें दी मुबारकबाद, लंबी उम्र और सेहत के लिए की दुआ। सीएम ऑफिस ने कहा KCR ने जवाब में कहा है शुक्रिया, इसके अलावा नहीं हुई कोई और बात। तेलंगाना भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है सीएम KCR का बर्थडे। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च और गुरुद्वारे में TRS कायदीन ने की दुआएं। ये थे हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने आज आउटर रिंग रोड की कुंडला कोया जंक्शन के करीब IT पार्क का संग बुनियाद रखा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की आज सालगिरह के मौके पर उन्होंने इस पार्क का संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, रुकन असम्बली विवेकानंद, रुकन कौंसिल एस राजू और रियासत के हुक्मरान जमात TRS के बाज अहम लीडरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि आवाम के ताउन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने रियासत तेलंगाना की तरक्की के बारे में और हुकूमत तेलंगाना के फलाह स्कीमात और सीएम KCR की उनके पीछे अहमियत व जद्दोजहद के बारे में भी जानकारी दी। ఇదెందుకు చెప్తా ఉన్నా ఈ రోజు అంటే ఈ రోజు ఎందుకు ఎంచుకున్నాం అంటే ఈ రోజు గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు KCR గారి బర్త్డే అని మీ అందరికీ కూడా తెలుసు। ఇక్కడ వచ్చిన మా తమ్ముళ్ళకి చెల్లెళ్ళకి రాష్ట్రంలో ఉండే యువతకి Thank you. I'll pass on the message. Thank you very much. మీ అందరికీ ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పాలి, ఒక చిన్న కథ చెప్పాలి నేను. అది KCR గారి గురించే చెప్పాలి. చాలామంది చాలా విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి గారు కూడా తన సొంత ఎదుగుదల గురించి కూడా మీ అందరికీ కూడా చెప్పినారు. KCR గారి విషయమే తీసుకుంటే ఆయన సరిగ్గా 68 ఏళ్ల కిందట ఇదే రోజు ఒక చిన్న గ్రామం సిద్దిపేట అవతల ఒక చిన్న గ్రామం చింతమడక అక్కడ పుట్టినారు. ఒక వ్యాపార కుటుంబంలో ఆయనకి అంటే వారి కుటుంబం పెద్దది, 11 మంది వారికి అక్క చెల్లెలు, 9 మంది అక్క చెల్లెలు, మరొక అన్న, మొత్తం 11 మంది సంతానం. మా తాతగారు ఒక పెద్ద వ్యాపారదారుడు, దాదాపు ఆ గ్రామంలో 500 ఎకరాలు కలిగిన ఆస్తిపరుడు, కానీ బట్ వ్యాపారదారుడు, అల్టిమేట్గా వ్యాపార కుటుంబం। तेलंगाना के सीएम KCR और हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ रियासती कांग्रेस का एहतजाज जारी है। ऐसे में आज तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी वजीर आला की सालगिरह के मौके पर एहतजाज के लिए पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन जाने वाले थे, ताहम पुलिस ने उन्हें शहर हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में हिरासत में ले लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी के हामियों ने पुलिस की जानिब से रेवंत रेड्डी को हिरासत में लेने से रोकने की भरपूर कोशिश की और पुरजोर नारे भी लगाए, ताहम पुलिस ने किसी तरह रेवंत रेड्डी को हिरासत में लेते हुए लंगर हाउस पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने रैली निकालने से कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को रोकने के लिए गांधी भवन के करीब वसी तर इंतजाम कर रखे हैं।
इस दरमियान बांसवाड़ा कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना कांग्रेस के आला कायदीन बिशमूल रेवंत रेड्डी को हाउस अरेस्ट और दूसरी जगह हिरासत में लिए जाने की पुरजोर मसम्मत की गई। बांसवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज के बालराज, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट अब्दुल खालिक, टाउन प्रेसिडेंट मसानी शेखर रेड्डी, नरसायनाचारी व दिगर ने एहतजाज करते हुए हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ पुरजोर नारे लगाए। मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश प्राइड इंडिया नामी एक रियल एस्टेट कंपनी की जानिब से की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश के तहत इस कंपनी ने लोअर कोर्ट से करीब 32 मीडिया चैनलों को कंपनी के खिलाफ कुछ भी मवाद या कंटेंट ना बताने के लिए इंजेक्शन ऑर्डर लिया, जिसके बाद इन मीडिया चैनलों ने हाई कोर्ट से रुजू होकर प्राइड इंडिया के खिलाफ मुनज़म अंदाज में आवाज़ उठाई है। मुख्तलिफ चैनलों के सरकर्दा सहाफ़ियों का कहना है कि प्राइड इंडिया ने अपनी जालसाजी, धोखाधही और फरेब के केसेस को उजागर ना करने के लिए इन मीडिया चैनलों के खिलाफ ये इकदाम किया है, जो मीडिया की आवाज़ को दबाने के मुतरादिफ है। इन सहाफ़ियों ने कहा कि प्राइड इंडिया और उसके मालिक अब्दुल हलीम बेग उर्फ सनोबर बेग पर कई FIR दर्ज हैं। उन्होंने कई अफराद के साथ धोखा करते हुए हजारों करोड़ रुपए गबन कर लिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने FIR दर्ज होने के बावजूद प्राइड इंडिया के मालिक और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मीडिया नुमाइंदों ने अज़्म भी जाहिर किया कि वह हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, चाहे उन्हें कितनी भी धमकियाँ मिले। साथ ही उन्होंने इस बात की उम्मीद भी जाहिर की कि तेलंगाना पुलिस इस कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करेगी और हाईकोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा। मीडिया में आने का मकसद ये है, हम खुद मीडिया वाले हैं, मगर शहर हैदराबाद की प्राइड इंडिया जो कंपनी है, उनके कंपनी के जो चेयरमैन है सनोबर बेग, सरासर मीडिया वालों की आवाज़ को दबाने के लिए एक तो कोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे, उसके बाद में कुछ एक ऑर्डर लेके आए हैं मीडिया वालों की आवाज़ को दबाने के लिए। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह से ऑर्डर लेके आया है। मगर हमने भी ऑनरेबल हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, हमारे सीनियर काउंसिल असद हुसैन साहब के जरिए हाईकोर्ट में हम लोगों ने भी सिविल एक CMA फाइल किया है और हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। हम ऑनरेबल हाईकोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी अर्जी को कबूल किया है। 18 फरवरी जुम्मा के दिन उस पर सुनवाई होगी और उसके ज़रिए हक़ और बातिल का फैसला होगा, क्योंकि हम अब तक प्राइड इंडिया कंपनी के जो काली करतूते थे उसको आवाम के सामने उजागर करते आए हैं। मैं अकेला ही नहीं बल्कि हमारे ऐसे 32 मीडिया हाउसेस वाले हैं जिनके ख़िलाफ़ में इन्होंने सिटी सिविल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है, जो सरासर मीडिया के ख़िलाफ़ में काम किया जा रहा है, और उसको लेकर हम सभी लोग इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और ऑनरेबल हाईकोर्ट हमको इसका एक हक़ का फैसला देगा, हमको ये उम्मीद है। मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले के बाद से उनकी दराजी उम्र और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए पार्टी कायदीन की जानिब से दुआया इज्तिमात मुनक़द करने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत आज याकुतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी ने तालाबकट्टा के मदरसा अरबिया जुन्नोरिन के बच्चों के साथ सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतियाबी के लिए खसूसी दुआ की। दुश्मनों के नापाक अदायब को नाकाम बना दीजिए, शराब की अता फरमाइए। याकुतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी ने आज मुगलपुरा डिवीज़न जहांगीर नगर इलाके में फ्री मेडिकल कैंप का इनॉग्रेशन किया। इस मेडिकल कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने फ़ायदा हासिल किया। इस मौके पर इलाका सुदूर मुतमदीन मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को सुबह फ़ोन करके यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। साथ ही PM मोदी ने इस सिलसिले में अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया है। PM मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तेलंगाना के CM KCR गारू को यौम पैदाइश की मुबारकबाद, उनकी तवील और सेहतमंद जिंदगी के लिए दुआएँ। इसी दरमियान तेलंगाना के CMO ने बताया है कि KCR ने PM मोदी की जानिब से मुबारकबाद दिए जाने पर शुक्रिया अदा किया और इसके अलावा दोनों में मजीद कोई
कोई बात नहीं हुए। बता दें कि हैदराबाद में इसी महीने यानी फरवरी की 5 तारीख को संत रामानुजाचार्य की मूर्ति की नकाब कुशाई के मौके पर पीएम मोदी के इस्तकबाल के लिए केसीआर नहीं पहुंचे थे और ना ही उनके साथ इस दौरे में कोई मुलाकात की, जिसको लेकर बीजेपी कायदीन ने शदीद नाराजगी जाहिर की थी और केसीआर को बुरा भला कहा था। इससे पहले से ही सीएम केसीआर पीएम मोदी और बीजेपी पर लगातार तनकीदी हमले करते आ रहे हैं। ब्रिटेन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मजीद अहम खबरें। आज 17 फरवरी तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर रियासत भर में भी जश्न मनाया गया, केक काटे गए, मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे जाकर दुआएं मांगी गई। ऐसी तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। आज 17 फरवरी को सीएम केसीआर की योम पैदाइश के मौके पर रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने अलग अलग मजहबों के मुकदस मुकामात का दौरा करते हुए टीआरएस सदर की दराजी उम्र के लिए दुआएँ मांगी। तलासानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद में बलकमपेटा एल्लमा मंदिर, उज्जैनी महाकाली व दीगर मंदिरों में केसीआर के लिए पूजा की। इसके बाद वो अमीरपेट के गुरुद्वारे गए, जहां उन्होंने खसूसी दुआ या इज्तम में शिरकत की। उन्होंने वेजले चर्च में स्पेशल प्रे के बाद केक भी काटा। बाद वो नामपल्ली दरगाह यूसुफैन पहुँचे, जहाँ उन्होंने मज़ार शरीफ पर चादर पेश की और गुलहाय खिदत निछावर करते हुए वज़ीर आला केसीआर की दराजी उम्र और सेहत के लिए दुआएं की। सीएम केसीआर की योम पैदाइश के मौके पर हरिता हरम प्लांटेशन ड्राइव मुनाकिद किया गया, जिसके तहत मेडीपल्ली वाक़े रचाकुंडा कमिश्नरेट की लैंड पर 100 पौधे लगाए गए। इस मौके पर लेबर मिनिस्टर मल्लारेड्डी, एमपी जोगिनीपल्ली संतोष कुमार, रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर एमपी संतोष कुमार ने केसीआर के ज़ेर क़यादत हुकूमत तेलंगाना के फलाही स्कीमात का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत के स्कीमों में मुनफरिद स्कीम हरिता हारम की है, जिसकी वजह से हरे भरे तेलंगाना के मकसद को कामयाब किया जा रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए लेबर मिनिस्टर मल्लारेड्डी ने रियासत में शजरकारी के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए तेलंगाना पुलिस की पहली पोजीशन पर होने की तारीफ की। लो 1 लाख प्लांटेशन आ प्रोग्राम मन पेटी 29th जुलाई रोजु 40,000 मियावाकी पद्धति लो इकड़ा यादाद्री मन अंटुनारु इकड़ा मन तेलंगाना लो आ प्लांटेशन दादापू 40-50 वैरायटीज तो आ प्लांटेशन इकड़ा मन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंजर्वेटर अकबर गारु चीफ कंजर्वेटर अकबर गारु सुपरविजन लो మొక్కలు మనం ఇక్కడ నాటాం. ఆ ప్రోగ్రామ్ కి కూడా అప్పుడు గౌరవనీయులు హోమ్ మినిస్టర్ గారు, మన లేబర్ మినిస్టర్ మల్లారెడ్డి గారు, తర్వాత మా డీజీ గారు అందరు రావడం జరిగింది. సో ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఇక్కడ వచ్చేసిన మన ఏం ప్లాంటేషన్ ఇక్కడ చేశారు దానికోసం ఇక్కడ మేడ్చల్ కలెక్టరేట్ తరఫున అప్పుడు ఉన్న కలెక్టర్ శ్వేతామౌంతి మేడం ఈ 12 లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. 3 బోర్వెల్ ఇక్కడ వేశారు. ఇప్పుడు 100% సర్వైవల్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. 17th జులై 2018 రోజు ఈ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ మన ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ గారు టెక్అప్ చేశారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత రోజు మనం చూస్తున్నారు, ప్రతిరోజు ఎక్కడైనా మన దేశంలో ఈ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తూ చాలా విఐపీలు, స్పోర్ట్స్ మెన్, సినీ ఫీల్డ్ నుంచి అన్ని రంగాల నుంచి ప్రజల ముందుకు వచ్చి ఈ మొక్కలు నాటుతున్నారు. केसीआर की बर्थडे के मौके पर डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने तारनाका में केक काटा। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा कि हमारे सीएम केसीआर मुल्क के नंबर 1 सीएम के तौर पर तेलंगाना की पूरी जिम्मेदारी से बागडोर संभाले हुए हैं।
और तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाने की सिम तेज़ी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत की शुरू की गई स्कीमों की कहीं मिसाल नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की योम पैदाइश के मौके पर उनकी बेटी और MLC के कविता ने TNGO भवन में ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत की। इस ब्लड डोनेशन कैंप की निगरानी तेलंगाना NGO ने की, जिसके सिटी प्रेसिडेंट SM हुसैनी मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कविता की जानिब से शुरू किए गए इस ब्लड डोनेशन कैंप में 1000 अफराद की जानिब से ब्लड डोनेट किए जाने के इम्कान हैं। इस कैंप के जरिए जमा किया गया खून थैलेसीमिया के मरीजों को डोनेट किया जाएगा। तेलंगाना NGO यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से आज ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद किया गया, क्योंकि आज हमारे हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब का आज बर्थडे है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मुसलसिल 6वां साल ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद किए, तो हर बार कोई ना कोई एक वजह से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे थे। इस साल CM साहब की बर्थडे यही टाइम पे आने से CM साहब की बर्थडे पे ये कर रहे हैं, और ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें 1000 यूनिट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तक करीब 450 यूनिट हो गए सुबह से, और ये ब्लड डोनेशन का कैंप आज कविता मैडम शुरू किए, बाद में हमारे होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब भी इसमें तशरीफ़ लाए, और चीफ जस्टिस ह्यूमन राइट्स जस्टिस चंद्राय साहब भी तशरीफ़ लाए, और हमारे स्टेट के सदर राजेंद्र और प्रताप भी यहाँ पर शिरकत किए, और दीगर हमारे जितने भी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सरकारी मुलाजमीन हैं, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉज़ है, वर्क बोर्ड के एम्प्लॉज़ है, लाइब्रेरीज़ के, यूनिवर्सिटीज़ के, पब्लिक गार्डन के, तमाम हॉस्पिटल से भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आए। एक खुशी का माहौल है, एक ईद का माहौल है यहाँ पर। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का ये मुसलसिल एक दो मिनट ठहर जाओ उमर भाई, से मुसलसिल तेलंगाना के रियाया के लिए जो गरीब गुरबा रियाया है, जो तुलबा है, उनके लिए हमेशा हम लोग उनके साथ ठहरे। हमेशा तेलंगाना NGO तेलंगाना के रियासत हासिल करने से आज तक हम तेलंगाना के रियाया के साथ, तेलंगाना के बच्चों के साथ हैं। तो ये डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हर मुश्किल साथ वक्त में साथ दिए, और जो आज ये ब्लड ले रहे हैं हम लोग, जो खून लिया जा रहा है, ये भी गरीब हॉस्पिटल्स को, जो तेलंगाना में 100 साल से जो गरीब गुरबा की मुसलसिल मदद कर रहे हैं, मुसलसिल उनका इलाज कर रहे हैं, जैसे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है, मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल है, और थैलेसीमिया के पेशेंट्स है, उनका एक एसोसिएशन है, और रेड क्रॉस सोसाइटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन है, तो इन तमाम लोगों में बराबर खून बांटा जाएगा। बहरहाल मैं आपके जानिब से हमारे पूरे सरकारी मुलाजिमीन को, हमारे यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़ को, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की एग्जीक्यूटिव को, और प्राइमरी मेंबर्स को, और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब है उनको, पुलिस डिपार्टमेंट को, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट को, और प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक अनाउंसमेंट में 100 लोगों 1000 लोग आना बहुत बड़ी बात है। ये पूरा इंतज़ाम किया, और इसके बावजूद में भी खाने का भी इंतज़ाम है। बोधन के रुकन असम्बली व TRS लीडर शकील आमिर की रिहाइश गाह पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर तमाम हल्का असम्बली बोधन के TRS कायदीन व कारकुनान शामिल थे। बाजना शकील आमिर ने सैकड़ों मोटरसाइकिलों और कारों की रैली डिचपल्ली की जानिब निकाली, जहाँ सदर ज़िले निज़ामाबाद TRS पार्टी जीवन रेड्डी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जो आज अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर बोधन के सीनियर TRS कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इसके अलावा कई मुकामात पर शजरकारी करते हुए भी CM KCR का बर्थडे मनाया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर T. श्रीनिवास यादव के साथ मिलकर बलकमपेट एलम्मा मंदिर में पूजा की। उन्होंने मंदिर में मूर्ति को जेवर भी भेंट किए। CM KCR की बेटी और MLC के कविता ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने वज़ीर आला की सालगिरह के मौके पर इस मंदिर में रियासत की खुशहाली और वज़ीर आला की सेहत तवील उम्री के लिए खुसूसी पूजा की है। तेलंगाना असम्बली के डिप्टी स्पीकर तेगुला पद्मराव गौड़ की क़यादत में सीताफल मंडी में CM KCR का बर्थडे मनाया गया। इस मौके पर बहुत बड़ा केक काटा गया, जबकि पौधे भी लगाए गए। तेगुला पद्मराव गौड़ ने इस मौके पर कहा कि रियासत तेलंगाना के हुसूल में KCR का यादगार रोल, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता।
तेलंगाना के जिला कामारेड्डी के टाउन बांसवाड़ा में भी आज सीएम केसीआर की योम पैदाइश मनाई गई। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और दीगर टीआरएस लीडरों ने बांसवाड़ा टीआरएस ऑफिस में केक काटकर जश्न मनाया। बाद हजार माता शिशु हॉस्पिटल के अहाते में पौधे भी लगाए गए। सीएम केसीआर की योम पैदाइश के मौके पर आरमूर के शुभोद्याम देवंगाला स्कूल में भी केक काटते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर ईकुंटा श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। बाजार टीआरएस कायदीन ने बड़े पैमाने पर शजरकारी भी की। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की योम पैदाइश के मौके पर जहीराबाद के एमएलए कोनेंटी मानिक राव ने जहीराबाद हलके में बैनुल मजाहिब दुआएं की। दरगाह हजरत सैयद अब्दुल अजीज कादरी शहीद बगदादी जहीराबाद में हाजिरी दी, चादर गुल पेश की और खसूसी दुआओं का अहतमाम किया। दरगाह शरीफ के सज्जादा सैयद यूसुफुद्दीन कादरी की सरपरस्ती में हाफिज शकील इमाम मस्जिद बगदादी ने खत्म शरीफ पढ़ा और सैयद बाबा कादरी ने दुआ की। इस मौके पर खानवादों के अलावा साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन मनकाल सुभाष, उमाकांत पाटिल, आत्मा कमेटी चेयरमैन विजय कुमार, टीआरएस यूथ कायदीन मोहम्मद तनवीर, टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन व दीगर कायदीन मौजूद थे। गौरव मुख्यमंत्री गारी ओक जन्मदिन संदर्भंगा सर्वमत ప్రార్థనలు వారి ఆరోగ్యం గురించి, వారి రాష్ట్రం గురించి, వారి ప్రజల గురించి ప్రార్థన చేయమని ఆదేశం సందర్భంగా ఈరోజు పొద్దున సంగమేశ్వర టెంపుల్లో వారికి అభిషేకం చేయించడం జరిగింది. తర్వాత ఈ దర్గాకు సయ్యద్ హజరత్ అజీదుద్దీన్ ఖాదరీ దర్గాకు వచ్చి ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళ ద్వారా మరి ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళు కూడా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆరోగ్యం కానీ, వారి ప్రజల గురించి కానీ, వారి మంత్రుల గురించి, వారి ఎమ్మెల్యేల గురించి, ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ యొక్క జన్మదినము వేడుకల్లో మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అందరి తెలంగాణ ప్రజలకే కాకుండా భారతదేశానికి ఒక దిక్సూచిగా ఉండాలని వారు మరి ప్రయత్నంలో భాగంగా మీరు వారిని ఆశీర్వదించి మరి అన్ని విధాలుగా వారికి ఆరోగ్యం మరి జ్ఞానం తొలి పరిపాలనలో మీరందరూ కూడా తోడుగా ఉండాలని తెలంగాణ ప్రజలకు కోరుతూ వారిని ఆశీర్వదించాలని ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రతిబిడ్డలకు ప్రజాప్రతినిధులకు అందరికీ కూడా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगी परमिंदर ने सीएम केसीआर की योम पैदाइश के मौके पर मजहबी मकामात का पार्टी कायदीन वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, सीनियर कायद मोहम्मद यूनुस अकबानी व दीगर के हमरा दौरा करते हुए वजीर आला की दराजी उम्र के लिए दुआएं की। इस जमन में चांदा टी में वाक़ दरगाह पर चादर चढ़ाई और खसूसी दुआ की। वहाँ से म्यूनसिपल चेयरमैन जोगी परमिंदर ने बंगारी गुड़ा के डंपे की आड़ में सीएम केसीआर के नाम से पौधा भी लगाया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। हिजाब की खातिर भगवा कट्टरवादियों से टकराने वाली कर्नाटक की मुस्कान खान को दिया जाए तहफ़ बढ़ाई जाए सिक्योरिटी। हैदराबाद के नामवर एडवोकेट्स और कानून की समझ रखने वाले जहदकारों ने CCS में दर्ज कराई कंप्लेन। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने आउटर रिंग रोड कुंडला कोया जंक्शन के करीब IT पार्क का रखा संग बुनियाद, कहा आवाम के ताउन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सीएम केसीआर की योम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को एहतजाज करने से रोक दिया गया। जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी के हामियों और पुलिस के दरमियान टकराव, शदीद नारेबाजी के बाद आखिरकार हिरासत में लिए गए रेवंत रेड्डी। हैदराबाद की प्राइड इंडिया नामी रियल एस्टेट कंपनी ने की मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश। सरकर्दा सहाफ़ियों ने कहा खतरे के बावजूद हक की आवाज़ करते रहेंगे बुलंद, आवाम से धोखा नहीं करेंगे बर्दाश्त। हाईकोर्ट में कल समाअत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सीएम केसीआर की योम पैदाइश पर उन्हें दी मुबारकबाद, लंबी उम्र और सेहत के लिए की दुआ। सीएम ऑफिस ने कहा केसीआर ने जवाब में कहा है शुक्रिया, इसके अलावा नहीं हुई कोई और बात। तेलंगाना भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है सीएम केसीआर का बर्थडे। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च और गुरुद्वारे में टीआरएस कायदीन ने की दुआएं। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ातरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।